तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लीव दी कंपनी आफ्टर इंडक्शन, मतलब आपने कंपनी कोई भी आज ज्वाइन करी, 3 दिन 4 दिन आपने इंडक्शन लिया, इसके बाद आप कंपनी को छोड़ना चाहते हो, उस केस में क्या हो सकता है, तो उस पर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो देखो दोस्त, मैं आपको एक चीज़ पहले क्लियर बता दूं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप कभी भी छोड़ सकते हो, अपार्ट फ्रॉम कि आपने किसी भी एग्रीमेंट या बॉन्ड पे साइन ना किया हो। बट प्रॉब्लम क्या होती है कि आप कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी अगर ज्वाइन कर रहे हो, उस केस में क्या होगा कि आप जैसे ही उस कंपनी ने आपको ऑनबोर्डिंग दिया या आपने उस कंपनी को ज्वाइन किया, तो क्या होता है कि फर्स्ट डे से आपका पीएफ क्रिएट हो जाता है एंड इसके बाद कंपनी के जितने भी रूल्स एंड पॉलिसीज हैं वो सारी आप पे अप्लाई हो जाती हैं, जो कि प्रोबेशन पीरियड के अंदर आती है। मतलब 90-95% कंपनीज में आपको प्रोबेशन पीरियड मिल जाएगा। वो मैटर करता है किसी में 3 मंथ्स का होता है, किसी में 6 मंथ का होता है, किसी में 1 ईयर का होता है। तो वो इट्स वेरी ऑन दी कंपनीज टू कंपनीज। तो बेसिकली होता क्या कि वो जब आपका प्रोबेशन पीरियड के टाइम के जितने भी रूल्स एंड पॉलिसीज होंगे वो फर्स्ट डे से आपके ऊपर कंपनी से अप्लाई हो जाते हैं। एंड अब बात करते हैं कि कंपनी को आप कैसे लीव कर सकते हो इंडक्शन के टाइम पे। तो मैं आपको बता दूं कि आप अपना प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट पढ़ो, उसमें क्या स्ट्रक्चर है, क्या कंपनी की टर्म एंड पॉलिसीज हैं, एंड इसके बाद अगर आप इंडक्शन के टाइम या इंडक्शन के बाद कंपनी छोड़ना चाहते हो तो आप इजीली छोड़ सकते हो, अपार्ट फ्रॉम कि आपने कुछ दिन कंपनी में काम कर लिया हो। मतलब उसके कंपेरिजन में ईजी होता है कि आप इंडक्शन के टाइम छोड़ दो। तो उस केस में आपको करना क्या कि वहाँ के जो एचआर हैं उनसे बात करना, क्योंकि आपके मैनेजर तक आपका हैंड ओवर नहीं हो पाता है। तो वहाँ के एचआर से बात करना है कि आपका 2 केसेस हैं, या तो आप कंपनी डायरेक्ट छोड़ सकते हो, तो हो सकता है आपके पीएफ में कुछ प्रॉब्लम हो जाए। क्या होगा कि आपका पीएफ तो क्रिएट हो जाएगा, अब आप डायरेक्ट छोड़ दोगे तो हो सकता है आपका डेट ऑफ एग्जिट ना डाला जाए पीएफ में। तो उस केस में आपको अपनी एचआर टीम को ये ज़रूर बताना है कि मुझे कंपनी अब कंटिन्यू नहीं करनी है, कोई मुझे एक ऑल्टरनेट ऑप्शन सजेस्ट करिए इसके लिए। तो वहाँ के जो एचआर होंगे वो कोई ना कोई आपको एक ऑल्टरनेट ऑप्शन सजेस्ट करेंगे। अगर इसके बाद भी वो सजेस्ट नहीं करते तो उनको बोलो कि आपका हम नोटिस पीरियड बाई आउट करने वाले हैं, अप्रॉक्स आपका 1 मंथ का ही होगा। प्रोबेशन पीरियड में नॉर्मली आपको 90% कंपनीज में आपका नोटिस पीरियड सिर्फ 1 मंथ का होता है, तो नोटिस पीरियड बाई आउट कर सकते हो। एंड अगर आपका बॉन्ड या एग्रीमेंट का केस कुछ भी ऐसा बन रहा है तो उस केस में आप उस बॉन्ड या एग्रीमेंट के केस में क्या होगा कि आप वो ट्रेनिंग टाइम का अमाउंट पे करके वो आप परचेस कर सकते हो। तो बेसिकली वहाँ से आप नोटिस पीरियड भी बाई आउट कर सकते हो। तो ये कुछ 2-3 वे हैं जिसके थ्रू आप जा सकते हो। बट अगर आपका पीएफ क्रिएट हो गया तो मेक श्योर कि आप एचआर से डिस्कस करके ही उस कंपनी को लीव करें, अदरवाइज आपके लिए फ्यूचर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने वाला है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी अगर आप कोई भी कमेंट या क्वेरी है तो स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा होगा, आप मुझे व्हाट्सएप पे पिंग कर सकते हो। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।